दोस्तों, इस धरती पर हम इंसान कई हजार सालों से रह रहे हैं और ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि प्राचीन समय के मुकाबले आज हम इंसान बहुत ही ज्यादा उन्नत हो चुके हैं। वैसे तो हम इंसानों ने ये उन्नति पिछले कुछ दशकों में ही हासिल की है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे प्राचीन स्मारक भी मौजूद हैं जो आज के इंसानों के सबसे ज्यादा उन्नत होने के दावे पर भी सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि इन स्मारकों की बनावट आज के मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा उन्नत है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने वाली सभ्यता भी बहुत ही ज्यादा उन्नत रही होगी, जो कि वैज्ञानिकों की समझ के भी बाहर है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। नंबर 9, लॉन्गयू केव्स। दोस्तों, 1992 में चाइना के सिजियांग प्रांत के एक गांव में जब कुछ किसान वहां मौजूद एक खेत के नजदीक में बने कुछ छोटे कुंडों का पानी खाली कर रहे थे, तब पानी खाली हो जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख वो हैरान रह गए। दरअसल पानी खाली हो जाने के बाद उन्हें उन कुंडों के पास कुछ शानदार गुफाएं दिखाई दी और जब वो उन गुफाओं के अंदर गए तो उनके सामने एक बहुत ही शानदार प्राचीन अंडरग्राउंड महल था, जिसे देख वो एक पल को चौंक गए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस अंडरग्राउंड महल को पूरी तरह से नक्काशी से तैयार किया गया था और इसे किसी बहुत ही प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था। 30,000 स्क्वायर मीटर में फैला ये महल अपने आप में ही एक अजूबा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस महल को किस सभ्यता द्वारा निर्मित किया गया था। शायद ही आप सभी को मालूम हो कि इस अंडरग्राउंड महल के अंदर बहुत सारे पिलर भी बने हुए हैं जो कि पूरी तरह से सीलिंग से जुड़े हुए हैं। साथ ही इसकी दीवारों पर बहुत से जानवरों की आकृति को भी उकेरा गया है, जिनमें घोड़े, मेंढक और पक्षी शामिल हैं। इस अंडरग्राउंड महल को लेकर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी लगा हुआ था, जो इसके जल स्तर को पूरी तरह से संतुलित किया रहता है। और शायद यही वजह है कि ये गुफा हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई है, क्योंकि इनके बारे में कोई भी वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कह पाता। नंबर 8, एक्सुमाइट एम्पायर। एक्सुमाइट एम्पायर प्राचीन दुनिया की इकलौती ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है। अफ्रीकन किंगडम के नाम से जाना जाने वाला एक्सुमाइट एम्पायर आज के इथोपिया से लेकर सोमालिया और सोमालियालैंड तक फैला हुआ था, जो कि 80 एडी के आसपास पावर में आया था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जब एक्सम किंगडम पावर में आया था, तब ये रोमन एम्पायर और प्राचीन भारत के बीच हो रहे व्यापारिक लेन देन के बीच में मुख्य भूमिका निभाता था और यही कारण था कि इसके पास अपनी खुद की करेंसी भी थी जिसकी मदद से यह व्यापार करता था और रेड सी और न्यू अरेबियन पेनिनसुला के साम्राज्यों की राजनीति में भी भाग लिया करता था। शायद ही आपको पता हो कि इजिप्ट और सूडान के बाहर ये अफ्रीका की एक बहुत ही मुख्य सभ्यता थी। दोस्तों, किन्हीं कारणों से इसने अपनी करेंसी को बंद कर दिया था और इसकी राजधानी किसी ऐसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट हो गई थी जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तर्कों से ये बात सामने आई कि एक्सुम एम्पायर ने खुद को आर्थिक रूप से दुनिया से अलग कर लिया था, जिसके बाद कोई नहीं जानता कि एक्सुम लोग कहाँ चले गए थे। हालांकि हाल ही में 2019 में एक आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि उन्होंने एक्सम सभ्यता का बीटा समैटी शहर खोज लिया है, जो कि उसकी राजधानी और रेड सी के बीच में मौजूद है। लेकिन कम जानकारी के अभाव में आज भी वैज्ञानिक और जानकार इस सभ्यता के बारे में नहीं समझा पाते। नंबर 7, क्यूक्यूटेनी ट्रिप्लियन। क्यूक्यूटेनी ट्रिप्लियन कल्चर, जिसे ट्रिपोलई कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, आज से कई सौ सालों पहले यूरोप के मालडोवा, यूक्रेन और रूस में एग्जिस्ट करता था। दोस्तों, इस कल्चर या कहीं सभ्यता का उदय 5500 बीसी के आसपास हुआ था और ये 2750 बीसी तक खत्म हो गई थी। वैसे तो इस कल्चर के लोगों द्वारा छोटे और घने स्मारकों का निर्माण किया गया था, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 4000 से 3500 बीसी के करीब क्यूक्यूटेनी ट्रिप्लियन सभ्यता द्वारा यूरोप के सबसे बड़े स्मारक बनाए गए थे, जिनमें करीब 20,000 से 46,000 की आबादी रहा करती थी। लेकिन एक बात जो आपके दिमाग को चकरा सकती है वो ये है कि इस सभ्यता के लोग हर 60 से 80 सालों में अपने द्वारा बनाए गए स्मारकों और भवनों को नष्ट कर दिया करते थे और दूसरी जगह नए भवनों का निर्माण करते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो ये अपने भवन को नष्ट करके उसी जगह पर फिर से एक भवन बना लिया करते थे, जो कि वैज्ञानिकों की समझ के भी परे था, क्योंकि इस सभ्यता ने अपने पीछे कोई भी लिखित दस्तावेज या मानचित्र नहीं छोड़े हैं। नंबर 6, एंसेस्ट्रल प्यूब्लोंस। दोस्तों, अमेरिका में एक इलाके में एनासाजी नाम का स्थानीय अमेरिकियों का एक समूह रहा करता था, जिसे एंसेस्ट्रल प्यूब्लोंस के नाम से भी जाना जाता है।
ये सभ्यता आज के फोर कॉर्नर्स के नाम से चर्चित जगह पर ही रहा करती थी, जिसके आसपास के इलाके में अन्य बहुत सी सभ्यताओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। शायद ही आपको पता हो कि एंसेस्ट्रल प्यूब्लोन सभ्यता को उसके आसमानी ज्ञान और तारों की जानकारी के लिए जाना जाता है, जो कि अपने आर्किटेक्चर का निर्माण भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से किया करते थे। आज एक समय में देखा जाए तो एनासाजी लोगों द्वारा निर्मित क्लिफ ड्वेलिंग्स पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि सुरक्षा के नजरिए से निर्मित की जाती थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इनके द्वारा निर्मित आर्किटेक्चर और क्लिफ ड्वेलिंग्स को सन 900 से 1350 एडी के आसपास बनाया गया था, जो कि दिखने में आज के बहुमंजिला इमारतों के समान ही है। खैर, इनकी कारीगरी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस सभ्यता ने सिर्फ इंसानों के लिए भवन नहीं बनाए थे, बल्कि जानवरों के लिए भी छोटे पेट हाउसेस का निर्माण किया था, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि एंसेस्टर प्यूब्लोन सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। हालांकि किन्हीं कारणों से 12वीं और 13वीं सदी के आसपास ये सभ्यता विलुप्त हो गई थी, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। नंबर 5, माइसिनियंस। दोस्तों, माइसिनियन सभ्यता एक तरह की प्रवासी सभ्यता थी, जो कि 2000 BC के आसपास एशियन इलाके में आकर बस गई थी, और यही वजह है कि इस सभ्यता के उद्गम के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रवासी होने के बावजूद भी यह सभ्यता इतनी चर्चित कैसे हुई? इसका मुख्य कारण था मिनोअन्स के साथ किया गया इनका धोखा। जी हाँ, ये सभ्यता मिनोअन्स लोगों के साथ ही उनके इलाके में अपना जीवन यापन करती रही और धीरे धीरे उनके साथ व्यापार करने लगी, जिसके बाद एक दिन इन्होंने मिनोअन्स लोगों की हुकूमत को ही कुचलकर उनके इलाके पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। दोस्तों, मिनोअन्स और माइसिनियंस यूरोप की पहली पढ़ी लिखी सभ्यता थी, जो कि क्लासिकल ग्रीक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। एक बार मिनोअन्स के इलाके में कब्जा करने के बाद माइसिनियंस लोग वहां की प्रमुख सैन्य ताकत बनकर उभरे थे, जिन्होंने बहुत से महलों, भवनों, दीवारों का निर्माण भी किया था। हालांकि 1600 से 1200 बीसी के आसपास ये सभ्यता भी अचानक गायब हो गई थी, जिस वजह से ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बनकर रह गई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये लोग एक दूसरे से कैसे संपर्क करते थे और ये अचानक गायब क्यों हो गए। नंबर 4, रैपा नुई। दोस्तों, आज से कई सौ साल पहले पॉलिनेशिया का एक छोटा सा समूह किन्हीं अज्ञात कारणों से अपना गृह निवास छोड़कर पैसिफिक ओशन की तरफ चला गया, जहां उन्हें एक रिमोट आइलैंड मिला और जिस पर वो बस गए। वो रिमोट आइलैंड कोई और नहीं बल्कि आज का ईस्टर आइलैंड ही है, जो कि चिली के कोस्ट से करीब 3512 किलोमीटर दूर है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि रैपा नुई लोग जो इस आइलैंड पर बसे थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया, साथ ही इंसानों की तरह दिखने वाले बड़े बड़े स्टैचू बनाए, जिनमें से कुछ आज भी इस आइलैंड पर मौजूद हैं। खैर, ये स्टैचू क्यों बनाए गए ये कोई नहीं जानता, और शायद यही वजह है कि ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि इन्हें देखकर इतना तो पता चलता है कि रैपा नुई लोग बहुत ही ज्यादा उन्नत थे, पर फिर भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रैपा नुई लोगों ने इस आइलैंड पर कब निवास किया था। पहले माना जाता था कि ये लोग 700 से 800 एडी के बीच इस आइलैंड पर बसे थे, पर हाल ही में कुछ समय पहले हुई कार्बन डेंटिंग से ये पता चला कि रैपा नुई लोगों का 1200 एडी में इस जगह पर आगमन हुआ था। खैर, जो भी हो, पर फिर भी वैज्ञानिक आज भी नहीं जानते कि आखिर उन्होंने ये स्टैचू कैसे बनाए थे और वो अचानक गायब क्यों हो गए थे। नंबर 3, सैंगसिंग डुई। दोस्तों, ब्रॉन्ज एज के दौरान चीन के सिचुआ प्रांत में सैंगसिंग डुई नाम की एक छोटी सी सभ्यता या कहें छोटा सा कल्चर शुरू हुआ। दोस्तों, ये प्रांत इकलौती ऐसी जगह या कहें ऐसी साइट थी जहां इस सभ्यता के प्रमाण मौजूद थे, जिनमें बहुत से प्राचीन आर्टिफैक्ट शामिल थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन आर्टिफैक्ट से पता चला कि ये सभ्यता करीब 1200 से 1100 बीसी के आसपास इस जगह पर रहा करती थी, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये और भी ज्यादा पुराने समय यानी कि लगभग 1600 बीसी से इस जगह पर रह रही थी। दोस्तों, याजी नदी के किनारे पर बसा ये शहर अपने आप में ही एक अचंबा था, क्योंकि इसमें बहुत से 20 से 25 मीटर लंबे कैनाल्स बने हुए थे, जिन्हें नेविगेशन, डिफेंस और बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था। हालांकि जब से 1929 में एक किसान द्वारा जब इसे खोजा गया, तब से ही ये आर्टिफैक्ट्स वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आज से 5000 साल पहले ऐसे आर्टिफैक्ट्स कैसे बन सकते हैं। नंबर 2, एट्रूकेंस। एट्रूकेंस सभ्यता द्वारा अपने पीछे होने का सबसे पहला सबूत 900 बीसी पहले इटली के रूप में छोड़ा गया था। उस समय इस इलाके को यूरेशिया के नाम से जाना जाता था
और यहाँ रहने वाले लोगों को प्राचीन ग्रीस के बाहर उस समय की सबसे एडवांस सभ्यता माना गया था। दोस्तों शायद ही आप सभी को पता हो कि एट्रुस्कन सभ्यता के बारे में वैज्ञानिक बहुत ही कम जानते हैं, पर इस सभ्यता के होने का उदाहरण इसके लेखों से मिलता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जिस भाषा में इन लेखों को लिखा गया है वो वैज्ञानिकों और जानकारों के समझ के बाहर है, और अभी तक सिर्फ उनका कुछ हिस्सा ही डीकोड हो पाया है। दोस्तों कुछ अन्य लेखों से मिली जानकारी के अनुसार एट्रुस्कन का इतिहास इसलिए गायब हो गया क्योंकि रोमन्स के साथ हुआ युद्ध वो हार गए थे, जिस वजह से उन्हें रोमन एम्पायर में शामिल होना पड़ा था और उनके बनाए सभी स्मारक भी रोमन एम्पायर के कब्जे में आ गए थे। आज इसी वजह से वैज्ञानिक नहीं जानते कि एट्रुस्कन का उदय कब हुआ था और वो कहां से आए थे। नंबर एक, बेल बीकर कल्चर। दोस्तों बेल बीकर कल्चर की शुरुआत 2800 BC के आसपास हुई थी और इस कल्चर का नाम बेल बीकर इसलिए रखा गया था क्योंकि इस कल्चर में रहने वाले लोगों द्वारा बेल शेप ड्रिंकिंग वेसल्स बनाए गए थे, जिन्हें सबसे पहले यूरोपियन ब्रॉन्ज एज के दौरान इस्तेमाल में लिया गया था। दोस्तों शायद ही आपको इसके बारे में पता हो कि ये शानदार दिखने वाले कप उस समय यूरोप में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने लगे थे, और यही वजह थी कि इसने आज के वैज्ञानिकों के बीच भी एक संशय पैदा कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि ये कल्चर इनका खुद का शुरू किया हुआ था या किसी बाहरी सभ्यता द्वारा लाया गया था, क्योंकि इसी तरह के बर्तन बहुत सी अन्य सभ्यताओं में भी इस्तेमाल किए जाते थे। खैर जो भी हो, इस सभ्यता में बहुत से अन्य बर्तन भी मिले हैं जो वैज्ञानिकों को परेशान करके रखे हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं जानते कि इन आइटम्स का फैलाव कैसे हुआ, जिस वजह से इसे बेल बीकर फिनोमिनन का नाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।